चलते हैं आपको बराह रास्त कराची जहां पर एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपके डैम बह गए सारे बलूचिस्तान के, कोई नहीं बचा है आपको। तो आप और बड़े बहरान का काला बाग डैम पे सियासत नहीं होनी चाहिए। काला बाग डैम है जरूर बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी कई डैम्स के बारे में है। सब मिलजुल कर पाकिस्तानियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस मौके पर कोई भी ऐसा सियासी तनाजे के बारे में गुफ्तगू भी हेडिंग का हिस्सा हो सकती है। मैं सकता हूं कि इस वक्त तो खबर भी इसके अलावा कोई भी पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगी अगर हम इस आफत के अलावा किसी और खबर को भी प्रोजेक्ट करेंगे। जी अभी हमारे एक वजीर साहब तो होके आए हैं पूरा, अब आमिर भाई हम भी निकल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे दौरे पे, और पूरी एमक्यूएम की टीम मौजूद है वहाँ पर। हमारा पूरा वो तंजीमी ढांचा मौजूद है। कल भी वजीर आजम आए थे तो हमारे वक्त मिला था उनसे और उनको इन हालात का इदराक करवाया था, और जो लोगों को हमने अभी डलवाया है सैलाब की सिंध की कमेटी में उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी का काम है, ये एमक्यूएम का काम है, इससे बढ़ के इस वक्त हम सब का काम है। और यही बहरान ये फैसला भी करेगा कि सियासत कौन कर रहा है और इसको इबादत की तरह कौन लेता है। जी सही नहीं, फ्री तो है जहाँ जहाँ पर ये वाले ने, तो बिजली का भी बहुत बड़ा बहरान पूरे पाकिस्तान में ही है। एक ये इजाफी सहूलत थी, इसको जितना भी बचाया जा सकता है बचाने की कोशिश की जाएगी। और अगर ये आप अपने घर में भी देख सकते हैं, तालीमी इदारों में भी देख सकते हैं, अगर हमें इंटरनेट नहीं मिला तो हम हर दिन कई कई साल दुनिया से पीछे होते चले जाएंगे, तो उसको भी बचाना है। आपको बताएं कि कराची में एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहजा किया।